लड़ाई चलती रहेगी, वीवीपैट ईवीएम ये लड़ाई बहुत लंबी है। कल भी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ईवीएम और वीवीपैट नहीं है। तो सोचिए एक हमसे ज्यादा संपन्न देश, दुनिया का बहुत ताकतवर देश ये कहता हो कि अगर वोट ईवीएम से पड़ेंगे तो असंवैधानिक होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, अनडेमोक्रेटिक होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी उस तरफ सोचना पड़ेगा। ये रुझान है हार के, और पहलवान जो कुश्ती में हारने लगता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये हार की डर की वजह से कुछ भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा मतदान के लिए सावधान हो जाएं और लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करें। अच्छा जी, राजनाथ सिंह ने जनसभा हुआ, आप 12 साल बाद कन्नौज के रूप में लौट रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? 12 साल बाद फिर जनता से अपने समर्थन में और अपने सहयोग के लिए अपील करने आया हूँ। मैं कन्नौज की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो कन्नौज की खुशबू, जो कन्नौज की सुगंध, एक मोहब्बत की सुगंध, प्यार की सुगंध, भाईचारे का जो लगाव इस कन्नौज की जनता में है, उसको वापस लौटाने का काम करेंगे। जो सुगंध यहाँ की है वो दुनिया में फैले, उसके लिए काम करेंगे। भाजपा सांसद की अमर्यादित भाषा लगातार बिगड़ती जा रही है। वो भाषा में तो चैंपियन है, थोड़ा शाम हो जाए फिर तो आपकी भी पिटाई हो सकती है। अच्छा, क्योंकि रात में उन्होंने पुलिस को पीटा था, शाम को किसी को भी पीट सकते हैं। सर, किसी समुदाय लोधी समाज और वीरांगना अवंती बाई को मानने वाले लोग एकदम खड़े हैं इस बात कि इन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इन्होंने जो समाज को अपमानित किया, सोचो इतना समाज का इतिहास बड़ा है, जो वीरांगना अवंती बाई को रास्ते पर चलते हैं, जो इतिहास गवाह है उनके योगदान को, उनके काम को, और ये हमारे सांसद, वो शायद रात थी, सोचिए आप, शाम लड़ाई चलती रहेगी, वीवीपैट ईवीएम ये लड़ाई बहुत लंबी है। कल भी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ईवीएम और वीवीपैट नहीं है, और जर्मनी जैसे देश का मैंने उदाहरण दिया कि जहां पर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसने कहा कि अगर वोट ईवीएम से पड़ेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो सोचिए एक हमसे ज्यादा संपन्न देश, दुनिया का बहुत ताकतवर देश ये कहता हो कि अगर वोट ईवीएम से पड़ेंगे तो असंवैधानिक होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, अनडेमोक्रेटिक होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी उस तरफ सोचना पड़ेगा। युवाओं में जो बेरोजगारी, इनके जो पेपर लीक हुए हैं, इस बार सरकार को हटाने का काम करेंगे, और जिन नौजवानों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाला है, केवल नौकरी नहीं छीनी है, उनका एक तिहाई जीवन बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। फैसलाबाद में कोई बस अड्डा नहीं है और जिला मुख्यालय को जाने के लिए कोई परिवहन, अरे हम तो हवाई अड्डा बना रहे थे, जाओ एक कोने में देख करके आओ, विशेष को ही फायदा मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने विधानसभा में नहीं सुना, 46 में 56 याद है, जब हमने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग आरोप लगाते थे कि सब यादव लोगों ने नौकरी ले ली, तो बोले 46 में 56 आज तक सूची नहीं दे पाए 46 में 56।